ज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू वेलकम टू ऑल बोर्ड आई होप आई मॉडेबल एंड एंडबल टू ऑल ऑफ यू क्लियर आवाज आ रही है मेरी सबको साउंड क्लियर है पहले साउंड चेक कर लीजिए वी कैन स्टार्ट द सेशन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग या वेरी गुड मॉर्निंग साइस स्विफ्ट अपूर्व प्रियंका सौरभ साधना माधुरी वेरी गुड मॉर्निंग या सोनी जी चलिए संदीप भाग्यश्री किंग जय हिंद मेरे भाई क्या हाल चाल है ऑडिबल विजिबल सब कुछ फाइन ट्वेंटी टू इन जी ए नॉट अ बैड अटेम्प्ट इफ डन विथ हंड्रेड परसेंट एक्सी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को टी आपका रेगुलर रहेगा फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स विदर स्ट्रक्चर ऑफ होमवर्क देन होमवर्क चेक योर मॉर्निंग मोटिवेशन देन होमवर्क होमवर्क चेक आफ्टर दैट योर एमसीक्यूज रिविजन ऑफ द डे एडिशनल होमवर्क और फैक्ट्स तो वो पूरा हम कवर करेंगे आज से ठीक चलो भाई स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे देर इज अप इवन वेन यूर ब्रेंड टेल्स इट्स इट्स देयर इज इंट अगर आपका दिमाग भी आपको बोल रहा है कि अभी कोई होप नहीं बची है छोड़ दो यार इस चीज को या अटेम्प्टे या मैथ्स नहीं बना दैट एप्टीट्यूड वॉज रॉन्ग एंड आई वॉज अनएबल टू डू कॉन्फिडेंटली सेवन क्वेश्चन इट वॉज डिफिकल्ट फॉर एवरी वन दर ऑलवेज अ होप सो बी कॉन्फिडेंट

बढ़िया बच्चे हैं कुछ बच्चे कभी आ जाते हैं बीच में नॉडी टाइप के अभी हम उनको हटाने के प्रयास में चल रहे हैं सो रिमेनिंग आर ग्रुप इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप अवेलेबल ऑन द अवेलेबल ऑन टेलीग्राम प्लेटफॉर्म सो होमवर्क फॉर टुमारो कल के लिए होमवर्क ले लें कल से मैं होमवर्क चेक की भी प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉल मनी मार्केट इनमें से कौन सा इंडियन कॉल मनी मार्केट का फीचर नहीं है क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्ट सिक्योरिटीज से से <coughs> के इन्वेस्टमेंट में ही होता है गवर्नमेंट बॉन्ड में ही होता है एंड इज जीरो मीन इट इज हंड्रेड परसेंट सिक्योर तो विच ऑफ दंड्रेड परसेंट सिक्योर इन्वेस्टमेंट हुआ फर्स्ट एवर बजट ऑफ इंडिया एसबीआई क्लर्क मीन में ऐसे क्वेश्चन आने के काफी चांसेस होते हैं तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हो गए क्लर्क मीन दित्य टू गेट एडिशनल फाइव परसेंट ऑफ रिमेनिंग गिव यू फोर्टीर यूल सिमिलरली फॉर एस बी आई पी ओ प्री प्लस मीन क्रांति बैच इज लाइव एंड आई एम गोइंग टू टेक जनरल अवेयरनेस जी आप मुझसे अटेंड करेंगे इसमें फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ बाई यूजिंग द कोड आदित्य मैक्सिमम डिस्काउंट नाउ लेट्स स्टार्ट विद्यू रिविजन फॉर एस बी आई पी ओ क्लर्क मीन्स

Arvind and I hope that you will continue from today onwards. Let's see the question number one. Consider the correct statement about the recent circular of RBI regarding rupee trade with Russia. Point number one RBI has allowed SDFC Bank, Canara Bank to open a special Nostro account for the trade rupee with Russia. Nostro accounts are the accounts which bank hold on behalf of another foreign bank पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डेंट बैंकिंग अ पार्ट ऑफ करस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्वेश्चन और बनता है स्टैटिक बैंकिंग का फॉर द एग्जामिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ करस्पॉन्डेंट बैंकिंग अब आप सुनोगे सर सिंडिकेट बैंकिंग होलसेल बैंकिंग निशे बैंकिंग मल्टीपल बैंकिंग नाव वॉट इज दिस करस्पॉन्डेंट बैंकिंग सो इट इज इन न्यूज नाउ करस्पॉन्डेंट बैंकिंग मीन वेन वन बैंक Is providing support to another bank to uh, to provide the banking facilities to their customer that facility is called correspondent banking point number three kya bol as many as indian banks have received the regularity clearance till now uh, total there are five indian banks which got the clearance and other banks were yuko bank union bank and indus bank other three were UCO bank Ind uh, union bank and indonesian bank what will be the correct answer correct answer will be only third फर्स्ट वन इज रॉन्ग सेकेंड वन इज रॉन्ग रीजन बता देता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट होता है नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो का इंडिया ओके इंडियन बैंक ओके एच डी एफ सी इंडियन करेंसी रूपी नाउ एनी अदर फॉरेन कंट्री एनी अदर फॉरेन कंट्री सो फॉर एग्जाम्पल रशिया रशिया करेंसी रूबल एंड फॉर एग्जाम्पल एनी बैंक एक्स वाई जेड लिमिटेड एक्स वाई जेड लिमिटेड थोड़ा सा ऑपोजिट कर देता हूं तो यहां पर बैंक नेम विल्ड करेंसी रूबल सही है ना करेंसी गलत तो नहीं लिख दिया मैंने हाँ ठीक सो इंडियन बैंक मेंटेन्स अकाउंट इन फॉरिन कंट्री इन अ फॉरिन बैंक इन फॉरिन करेंसी वेनेवर एनी

थर्टी एट कंट्रीज का ग्रुप है इंग्लिश फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज एंड सेक्रेटरी जनरल मैथ आई एस सो दिस इज द नेम ऑफ सेक्रेटरी जनरल में फॉर्म हुआ था रिसेंटली हैज़ ऑल्सो डिग्रेडेड द जी रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम सेवन पॉइंट थ्री परसेंट टू सेवन परसेंट तो इन्होंने डिक्रीज करके सेवन पॉइंट थ्री परसेंट सेवन परसेंट

या फिर ई e के के सपोर्ट से ओपन करने के लिए इनमें से किस पेमेंट बैंक ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है करेक्ट आंसर है आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक सो एयरटेल पेमेंट बैंक रिसेंटली प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू ओपन द सेविंग अकाउंट फैसिलिटी विद द सपोर्ट ऑफ विद द सपोर्ट दवाई सी अच्छा आपको पता होगा पेमेंट बैंक एक्सेप्ट मैगजिम हाउ मच रुपी दे कैन एक्सेप्ट एक्सेप्ट मैक्म टू लैक रुपी फ्रॉम द कस्टमर ऑल्सो दिस मनी कैफर ऑनली डिमांड ना इट मीन पेमेंट बैंक आर नॉट अलाउड दे कॉन्ट प्रोवाइड दर वॉट दर वो क्या ऑफर नहीं कर सकते दे कांट ऑफर लोन्स क्रेडिट कार्ड एनी लेंडिंग फैसिलिटी कैन नॉट ऑफर टर्म डिपॉजिट फैसिलिटी एम आई राइट टर्म डिपॉजिट प्रोवाइड नहीं कर सकते दे कांट ऑफर लोन फैसिलिटी एंड पेमेंट बैंक इन इंडिया स्टार्टेडेशन ऑफ न चिक्राइजिंग सी हिट इजमेंट बैंकिंग मल्टीपल फैसिलिटीज इवन डिपॉजिटिट एफ डी फैसिलिटी लोन फैसिलिटी सब प्रोवाइड कर रहे हैं हाउ कोलॉबेशन कुछ पॉइंट देखते हैं रिलेटेड टू एयरटेल पेमेंट बैंक इन द रिसेंट टाइम एयरटेल पेमेंट बैंक स्टार्टेड रोलिंग आउट 1.5 लाख माइक्रो एटीएम इन इन टू फैसिलेट कैश विद्रॉवल ऑफ एयरटेल कस्टमर्स तो माइक्रो एटीएम समझते हैं वो एयरटेल का एक एड आता था वन गर्ल वॉन्टेड टू पे द फीस एंड कैश काउंटर वॉज गेटिंग क्लोज शी डिज शी डज नॉट है वहां से वो कैश कलेक्ट करती है बाई स्वाइपिंग आउट द कार्ड ओवर पीओ एस पॉइंट ऑफ सेल पर सो दिस पीओ एस मशीनबल ऑन दॉप एंड शॉपकीपर्स इन दैट केसो बोला जाता है किसने एयरटेल पेमेंट बैंक ने राइट इन ऑर्डर टू डिजिटाइज कैश कलेक्शन मैकेजमायर थ्री सिटीज ऑफ इंडिया टायर थ्री सिटीज मतलब स्मॉल सिटीज हो गए वेरी स्मॉल सिटीज तो दैट इज थ्री सिटीज सेमी अर्बन एरिया एयरटेल पेमेंट बैंक कोलॉबरेटेड विथ एक्सिस बैंक तो एक्सिस बैंक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पेमेंट बैंक ने कोलॉबरेट किया है नेक्स्ट है एयरटेल पेमेंट बैंक कोलॉबरेटिव विथ मुथूट फाइनेंस टू ऑफर गोल्ड लोन फैसिलिटी लोन वर्ड गायब हो गया सबसे इंपॉर्टेंट तो वही था सो गोल्ड लोन फैसिलिटी ऑफर करने के लिए अभी रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक ने मुथूट फाइनेंस के साथ कोलॉबरेट किया

एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा फॉर मैं टारगेटिंग टू द मैं सूर्य कुमार यादव यस स्काई लिख दिया कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया सो so, सूर्य कुमार यादव रिसेंटली अपॉइंटेड एस द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अर्बन गबरू ठीक द लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स रिसेंटली अपॉइंटेड यू डू रिवाइज बायर ओन बिकॉज आज मेरे पास काफी न्यूज और एमसीक्यूज है लिटिल बिट स्पीडी मैन ठीक है

टू हाँ, 2019 में इन्होंने अपना कैपिटल चेंज किया था इन्होंने अपना कैपिटल चेंज किया था अभी कैपिटल वापस से क्या कर दिया गया है अस्ताना बीच में चेंज करके नूर सुल्तान किया था सॉरी फ्यू डेज बिफोर द कैपिटल वॉज नूर सुल्तान बैक टू अस्ताना ठीक है द लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर नेक्स्ट है हु हैज न्यू चेयरपर्सन ऑफ ए आई सी ऑफ एआईसीटीई फॉर द ड्यूरेशन ऑफ थ्री इयर्स फ्रॉम लास्ट वन ईयर द पोजिशन वॉज होल्डेड ऑन द एडिशनल चार्ज बेसिस तो पिछले एक साल से फ्रॉम लास्ट वन ईयर मिस्टर जगदीश कुमार हु चेयरपर्सन ऑफ यू जी सी यूजीसी के चेयरमैन है जगदीश कुमार जी ही होल्डिंग द एडिशनल चार्ज ऑफ ऑल्सो फ्रॉम सेप्टेंबर ऑनवर्ड्स वेन मिस्टर अनिल सहस्त्र बुद्धि गॉट रिटायर्ड तो लास्ट ईयर अनिल सहस्त्र बुद्धि गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ ए आई सी टी ई

चेयरपर्सन ऑफ एनपीएस मिस्टर अरुण कुमार सिंह चेयरपर्सन ऑफ ओ कंपनी हैज वॉन द टेंडर ऑफ बिल्डिंग 300 मेगावाट टू बिल्ड 300 मेगावाट ऑफ कोल्ड फायर पावर प्लांट इन बोस्टवाना सो हाल ही में किस भारतीय कंपनी को किस भारतीय कंपनी को बोस्टवाना कंट्री में 300 मेगावाट का एक कोल फायर पावर प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है करेक्ट आंसर है जिंदल स्टील एंड पावर

एंड कॉन्फ्रेंस वॉज इनोग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नहीं किया चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा ने इनॉग्रेट किया हु इनग्रेटेड एंटरप्रनरशिप सेल सेंटर ऑफ इनोवेशन एट डेली कैंपस फॉर द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट टेली मैथ्रोमोटिक गाइज ऑल दिस न्यूज हैज बीन डिस्कस्ड इन सैटरडे वीडियो सो इफ यू हैव मिस्ड इट एंड यू आर थिंकिंग यू आर अनबल टू आंसर दिस क्वेश्चन Go and watch the video of Saturday आपको सैटरडे के टी एन ए में सारे पॉइंट मिल जाएंगे करेक्ट आंसर है फॉलोइंग स्टेट निम्नलिखित में से किस स्टेट में हाल ही में इसको मनाया गया है संगई फेस्टिवल को करेक्ट आंसर है मणिपुर मनीपुर सो मणिपुर कैपिटल इज इम्फॉल एंड बी रिंग चीफ मिनिस्टर एंड लागनेशन Is the governor of the state the other the other celebrations or festival celebrated in uh, Manipur? Next, free trade agreement between India and in which country has been approved on textile, leather, furniture, jewellery, machinery recently? Free trade means export and import will be done on almost negligible. Uh, टैक्सेशन मतलब कि आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है और उस पर जो ड्यूटीज इंपोर्ट करते हैं कंट्रीज वो इंपोर्ट ड्यूटीज हटा लिए जाएंगे इट विल इंक्रीज द बूस्ट टू द बायोलेट्रल ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज द कंट्रीज आर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी बायोलेट्रल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं बायोलेट्रल ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट That has been signed between India and Australia. It will give the advantage to the बिजनेसमैन or the exporters and the importers of India Those are working in the field of textile, leather, furniture, jewelry, and machinery. Canberra capital dollar currency. India has signed an agreement with which of the following group on the cooperation of climate modeling quantum technologies, building the trade and technology council. अभी हाल ही में भारत ने इनमें से निम्नलिखित में से किस ग्रुप के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है टू फॉर्म ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल तो करेक्ट आंसर यूरोपियन यूनियन करेक्ट आंसर इज यूरोपियन यूनियन नेक्स्ट सर हु हैज अवॉर्डेड विध लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 थाउजेंड ट्वेंटी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपको याद हो सो प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की रिसेंटली तो पहले आंसर देख लेते हैं राजेंद्र पनवर सर पवार राजेंद्र पवार सर रिसेंटली ऑनर्ड At 8th edition of FICCI Higher Educational Excellence Award in New Delhi. So, Mr. Pawar played a potent leadership role in NIIT to play growth in the IT sector by creating the drive of momentum. So, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry 1927 formed form New Delhi headquarter. Recently, Subhrakant Pandasar has been appointed as the president of FICCI which is one of the very very important concepts. डायरेक्टर जनरल मोना दीपा मुखर्जी सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर दिलीप चिन्हो इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन अ एक्सरसाइज कॉल्ड गरुड़ा शक्ति विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फोर्स निम्नलिखित में से किस देश की सेना के साथ भारतीय सेना हाल ही में एक डिफेंस uh, एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम है गरुड़ा शक्ति करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया एंड दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इन इंडोनेशिया तो इसका वेन्यू भी आपका करावांग इंडोनेशिया है सोवेन्यूस करावांग इंडोनेशिया थर्ड इंडिया सिक्योरिटी एक्सर्सिस इट इज़ गुरु तेग बहादुर मार्टम मार्टम डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ़ द फॉलोइंग डेट सो करेक्ट आंसर 24 ऑफ़ नवंबर ही वाज़ द नाइन्थ गुरु ही वाज़ द नाइन्थ गुरु ऑफ़ सिक्की कन्वर्जन ऑफ लॉ तो धर्म को धर्म को प्रेशर डालकर चेंज करवाने से इन्होंने बचाया था काफी हिंदुओं को और सिखों को थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर सो करेक्ट आंसर है फोर्थ थर्सडे ऑफ नवंबर सो दिस ईयर इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ नवंबर तो इस साल ये पड़ा ट्वेंटी फोर्थ ऑफ नवंबर को आते हैं आज के न्यूज पर न्यूज नंबर वन तो आपके मैंने एमसीक्यूज रिविजन कोशिश किया इन टाइम कंप्लीट हो जाए एंड वी हैव डन दैट फर्स्ट बैंक रिसेंटली कार्ड फैसिलिटी दट इज डेबिट कार्ड फैसिलिटी विदीकर दिस स्टीकर सो दीज स्टीकर बी एबल टू वर्क ऑन नियर फील्ड टेक्नोलॉजी और टैप टू पे आपका किस पर काम कर रहे हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर एन एफ सी पर तो ये स्टीकर को ले जाना होगा फॉर द पेमेंट पर्पज नियर टू दी ओ एस मशीन एंड द पेमेंट विल बी डन पेमेंट विल बी डन राइट इसको नाम दिया इन्होंने फर्स्ट स्टेप इट इज फर्स्ट बैंक इन कोलॉबेशन विद एन पी सी आई द मोटिव इज टू इंक्रीज द नियर फील्ड द नियर फील्ड कम्युनिकेशन मेथड इन द बैंकिंग सेक्टर एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द पेमेंट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फैसिलिटीज हैज बीन इंक्रीज काफी ज्यादा बढ़े इजी होता है कस्टमर्स के लिए पेमेंट करना विदाउट पुटिंग पेन एंड ऑल सो वी विद्यानाथन एमडी एंड सीओ मुंबई हेडक्वार्टर टू थाउजेंड फिफ्टीन में फॉर्म हुआ बड़ा सिंपल सा न्यूज है ये स्टीकर वाले जो कार्ड है ये किस बैंक ने लॉन्च किए अभी हाल ही में तो स्टीकर वाले कार्ड जो लॉन्च किए हैं वो किसने किए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने टैप टू पेपर काम करेंगे और कुछ भी नहीं है बहुत सिंपल न्यूज है सेकेंड न्यूज है आपके पास कैनरा बैंक कैनरा बैंक स्टेप इन टू द डिजिटल बैंकिंग विथ द इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी कैन यू काइस क्विकली टेल मी द फर्स्ट बैंक इन इंडिया फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी फैसिलिटी पहला बैंक जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी फैसिलिटी स्टार्ट किया था वी हेव डिस्क फ्यू डेज बिफोर वेरी गुड फर्स्ट बैंक वॉज एच डी एफ सी बैंक बैंक गारंटी इज एक्चुअली अ गारंटी प्रोवाइडेड बाय बैंक फॉर देयर कस्टमर फॉर एग्जांपल आई एम अ बायर एंड आई एम बाइंग सम प्रोडक्ट फ्रॉम अ सेलर अमाउंट ट्रांजेक्शन बिटवीन अस इज हाई फॉर एग्जांपल फिफ्टी लाख रुपए सो माय सेलर इज आस्किंग मी टू प्रोवाइड गारंटी दैट आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट वंस आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट वंस द कंसाइनमेंट अराइवड एक बार मुझे सामान मिल गया मैं पेमेंट करूंगा ही करूंगा उसका गारंटी चाहिए सो आई विल आस्क माय बैंक टू प्रोवाइड सच गारंटी दैट गारंटी इज कॉल्ड बैंक गारंटी उसी गारंटी को बैंक गारंटी कहा जाता है टिल टो इट वॉज द पेपर फॉर्मेट लास्ट मंथ एच डीएफसी बैंक कोलॉबरेटेड विथ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड सेम ऑर्गेनाइजेशन एच डी एफ सी बैंक कोलॉबरेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी फैसिलिटी बैंक इंडस्ट्री तो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी फैसिलिटी स्टार्ट की एसडीएफसी मॉनिटरिंग सिस्टम इशु फैसिलिटीजी बिकॉज ऑफ द डिजिटल होने के कारण ये बैंक ऑल्सो लॉन्चेस कैनरा एल अ मोबाइल सुपर एप्लीकेशन विथ मोर देन टू फिफ्टी फीचर्स कॉन्सेप्ट ऑफ वन बैंक वन एप्लीकेशन तो वन बैंक वन एप्लीकेशन के नाम पर इन्होंने कैनरा एआईएल फैसिलिटी भी रिसेंटली लॉन्च किया है ऑल्सो कैनरा बैंक वॉज रैंकड फर्स्ट अंडर डिजिटल परफॉर्मेंस अंडर डिजिटल पेमेंट परफॉर्मेंस ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बा इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर बैंगलुरु लिंगम वेंट प्रभाकर फॉर्म हुआ था कैनरा बैंक अगला न्यूज स्पीड सही चल रहे पीओ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर अच्छा पी एस डी आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन था ओके ठीक है ठीक है ठीक है सर आगे चले नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट वन एक्सिस बैंक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फ्लिपकार्ट इफ यू नो दिस थिंग एक्सिस बैंक एंड फ्लिपकार्ट है वेरी ओल्ड फ्रेंडशिप बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है दे हैव ऑलरेडी लॉन्च मल्टीपल टाइम द क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड सो रिसेंटली दे लॉन्च सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड सुपर एलिट मैं भी थोड़ा सा शॉक हुआ था पढ़ के पहली बार लाइक वी हैव आर सुपर एलिट राइट तो इनका भी सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड रिसेंटली बाय बैंक इन कोलैबोरेशन विद फ्लिपकार्ट तो फ्लिपकार्ट पर जो वो कॉइन्स होते हैं ना सुपर सुपरकॉइन्स ऑफ फ्लिपकार्ट उनको प्रमोट करने के लिए उनको इंक्रीज करने के लिए दैट कस्टमर्स कैन गेट द सुपरकॉइंस बाय यूजिंग द बाय यूजिंग दिस कार्ड ऑन मिंत्रा एक्सेट्रा जितने भी फ्लिपकार्ट के वो हैं सब्सिडरीज ऑन ऑल ऑफ इट कैन बी यूज एंड सुपर कैन बी यूटिलाइज फॉर फर्दर शॉपिंग पर्प टू मेक द हैबिट ऑफ शॉपिंग अमिताभ चौधरी सर एमडीएसी में मुंबई हेडक्वार्टर सिंपल न्यूज है एक लाइन में याद रह सकता है एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट सुपर एलईड क्रेडिट कार्ड हैज बीन लॉन्च टू इंक्रीज द यूज ऑफ सुपर सुपरकॉइंस रिवॉर्ड चलो आगे चलो नेक्स्ट है next one agla point go sbi continue to lead the credit card sdfc bank sorry S, sbi continue to lead the debit card market and sdfc bank credit card we know this thing sbi is the largest sbi has the largest market share in the debit card market while well, sdfc has the largest market share in the credit card market गेटिंग दिस डेटा ऑन मंथ ऑन मंथ बेसिस जब भी कोई चेंज होगा तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो डेटा आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पर मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू डोमिनेट इन द डेबिट कार्ड मार्केट इन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी डू यू नो विच इज द मोस्ट प्रोफिटेबल बैंक इन इंडिया एट प्रेजेंट एच डी एफ सी आईसीआईसी और एसबीआई कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक है इंडिया में आपका हाँ कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक है आपका बता पाएंगे चलो देखते हैं एस डी एफ सी एस बी आई एस बी आई एस डी एफ सी ओके ओके करेक्ट आंसर इज एस बी आई एस बी आई इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक द बैंकेंट रिपोर्ट ऑफ सेप्टेंबर जो सेप्टेंबर में रिपोर्ट आया उसके अकॉर्डिंग ठीक है आप सेप्टेंबर भी क्यों अक्टूबर में आपका रिपोर्ट आया सो एज पर द रिपोर्ट ऑफ ऑक्टोबर नो एसबीआई मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक इन इंडिया सबसे प्रॉफिटेबल बैंक है

डेबिट कार्ड मार्केट विथ ट्वेंटी इट मीन परसेंट डिक्रीमेंट हुआ एस बी आई के मार्केट शेयर में फ्रॉम थर्टी परसेंट टू ट्वेंटी बैंक मेंटेन्स टॉप पोजिशन इन द क्रेडिट कार्ड मार्केट एच डी एफ सी बैंक है मार्केट शेयर ऑफ ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन सेवन ऑलमोस्ट ट्वेंटी थ्री परसेंट एस बी आई का नाइनटीन परसेंट एंड आईसीआईसीआई सेवेंटीन परसेंट सो दीज आर द टॉप थ्री बैंक इन द क्रेडिट कार्ड मार्केट तो क्रेडिट कार्ड मार्केट में एस डी एफ सी टॉप पर है आपके पास ठीक ना अंपनी कॉल्ड अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी की बात करें सो अमेरिकन एक्सप्रेस देयर मार्केट शेयर इज डिक्रीजिंग ईयर बाय ईयर सो एट परसेंट डिक्रीमेंट वॉज देयर इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर टू परसेंट डिक्रीमेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर सो इयर ऑन ईयर बेसिस ज द कंपनी हु इज लूजिंग देयर मार्केट शेयर इन इंडिया जिनका मार्केट शेयर इंडिया में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सच टाइप ऑफ क्वेश्चनिनेशन तो ये जरूरी है कि थोड़े लीक से हट के कॉन्सेप्ट भी हम पकड़कर चले डिस्पाइट द फैक्ट दैट कोटक महिंद्रा बैंक मार्केट शेयर वॉज ऑनली फाइव परसेंट इन द क्रेडिट कार्ड मार्केट विटनेस सेवेंटी परसेंट इन ईयर ग्रोथ इन द मंथ ऑफ जुलाई इट मीन इंडियन बैंक मार्केट शेयर इज इंक्रीजिंग देयर इज अंपनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कॉल्ड अमेरिकन एक्सप्रेस इनका मार्केट शेयर क्या हुआ है डिग्रेड हुआ है डिक्रीज हुआ है टेंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया अपॉइंटेड बाय किंग सुल्तान अब्दुल्ला सो किंग सुल्तान अब्दुल्लाज अपॉइंटेड मिस्टर अनवर इब्राहिम इज द टेंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया कोलालमपुर इज द करेंसी रिंगिट इज द कैपिटल सॉरी कोलालमपुर इज द कैपिटल रिंगिट करेंसी और अनवर इब्राहिम अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के मलेशिया के सो द अपॉइंटमेंट गैप मोर देन ट्वेंटी ईयर वेट फ्रॉम फॉर्मली डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन अपोजिशन लीडर फॉर टू डीड मिडशील्ड टम पोलिटिकल कॉप्स तो बीस साल के बाद किसी को प्राइम मिनिस्टर की पोजिशन पर अब यहाँ पर अपॉइंट किया गया है Appointed Prime and president, proper list है आपके पास एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनादर अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड दीपा मलिक एज द एम्बेसडर ऑफ निक्षय मित्रा निक्षय मित्रा का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है अभी दीपा मलिक जी को शी इज ऑलरेडी द प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इंडिया की पैरा ओलंपिक कमेटी की चेयरपर्सन है डॉक्टर दीपा मलिक इंडिया फ्री फ्रॉम ट्यूबर क्लॉसेस वॉट इज द टारगेटेड इयर फटाफट से बताइएगा टारगेटेड ईयर क्या है बहुत बढ़िया वेरी गुड सो टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव इज द टारगेटेड इयर नॉट दिस

ठीक है वी हैव सीन इन द रिसेंट टाइम आफ्टर स्पेशली आफ्टर आई बी पी एस पी यूमीन्स एग्जामिनेशन दैट अमंग द स्टूडेंट वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट द मेंटल ग्रोथ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर डीमोटिवेटेड -मोटिव, कोई फील कर रहा है बट द प्रॉब्लम इफ यू विल नॉट टॉक टू समवन अगर आप बात नहीं करेंगे इफ यू विल सिंपली गिविंग दैट दिस पर्सन और दैट पर्सन और माई फैमिली मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस दैट विल नॉट वर्क दर इज नो टाइम टू क्राई वी आर इन द कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड रोने के लिए समय नहीं हम कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में सो इफ यू आर क्राई इन फ्रंट ऑफ एनी वन नो बडी है किसी के पास समय नहीं आपका रोना सुनने के लिए सो बी स्ट्रांग एंड फाइट फॉर यू एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव द थिंग्स इफ यू विल क्राई नो बडी हैव टाइम एंड नो बडी एक्चुअली इंटरेस्टेड टू लिसन इट बट इफ यू नीड सपोर्ट एम नॉट सींग क्राइ बू नीड सपोर्ट आई एम देअर टू प्रोवाइड सपोर्ट चलिए सर तो टीबी का टारगेटेड इयर है टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव आगे चलते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट डिक्लेयर अरितापट्टी विलेज इन मदुरई एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ तमिलनाडु हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने अरितापट्टी गांव है मदुरई में एनी वन इज देयर फ्रॉम नियर बाय अरितापट्टी मदुरई तमिलनाडु इन द सेशन So uh, this village has been announced as the biodiversity heritage. Most important thing is uh, act. First, act. Cover So this notification came under Biological Diversity, Biological Diversity Act 2020, uh, 2002. So according to the Biological Diversity Act 2020, uh, 2002, this notification was launched by. द तमिलनाडु गवर्नमेंट तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग सो कंजर्वेटिव एरिया हो जाएगा दैट ट्रांसफार विल बी नॉट बी अलाउड गवर्नमेंट विल कीप आई ओवर द एरिया टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स द स्पेशल रेयर डिसीजेस तो अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु गवर्नमेंट इज वर्किंग अलॉट ओवर प्रोटेक्शन ऑफ एनडेंजर्ड स्पीशीज देंटी फ्यू डेज बिफोर दस सदस्य समिति भी इन्होंने बनाया था बचाने के लिए अपनी डायवर्सिटी को और एनडेंजर्ड uh, स्पीशीज को विलुप्त होने वाले जो प्राणी है उनको, उनको बचाने के लिए सो बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आर द एरिया दो यूनिक इकोलॉजिकल फ्रेंजाइल इकोसिस्टम रिच बायोडाइवर्सिटी फॉर्मड ऑफ वन और मोर एंडेमिक स्पीशीज दो हजार एंड ऐसे स्पीशीज विलुप्ती की कगार पर है उनको बचाने के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नेक्स्ट है मुंबई सिटी इन साउथ एशिया टू टॉप सी डी पी क्लाइमेट एक्शन लिस्ट डू नो दैट देर इज द टारगेट ऑफ मुंबई टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन मुंबई का टारगेट है नेट जीरो कार्बन इमिशन को अचीव करने का वॉट इज द टारगेट ऑफ दॉट द न्यूज इज according to CDP report published in number, Mumbai has become the first city to added in a list of five annual cities report of CDP number 2021. Despite Mumbai have lots of global economic challenges. whats our economic challenges they it is the uh, it is the industrial capital of India being industrial capital definitely the co2 emission is high but still the city is doing well to control the co2 emission this overall news is regarding co2 emission protecting the climate the target of mumbai for net zero carbon emission zero carbon emission is 2050 right those are pachasinka target yes 2050 is the target of मुंबई फॉर नेट जीरो कार्बन इमिशन तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बीइंग इंडस्ट्रियल कैपिटल डेफिनेटली कार्बन इमिशन इज हाई बट दे आर एबल टू कंट्रोल इट दे आर एबल टू वर्क ऑन इट सी डी पी इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट रन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डिस्कलोजर सिस्टम कंपनी सिटीज रीजन एक्सेट्रा तो ये एक एनजीओ जो इन चीजों पर काम कर रहा है मुंबई इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया थ लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलशन सराउंडेड बाय सी फ्रॉम थ्री साइड मुंबई कार्बन बाय दू था दो हजार पचास इन्होंने अनाउंस किया है कार्बन इमिशन टारगेट को नेक्स्ट है और स्टार लगा ले एस क्लर्क मीन्स का क्वेश्चन है ये बता दे रहा हूं आपको ठीक है कंफर्म है हो गई मेरी बात तो इजिप्ट प्रेसिडेंट इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इंडियन गवर्नमेंट इनवाइटेड इजिप्ट प्रेसिडेंट अब अल सासीिके परेड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सर बैंक गारंटी वाला क्वेश्चन आया था आईबीपीएस में, में मेरा रॉन्ग हो गया आगे नहीं होगा अरविंद टीएनए कंटिन्यू रखो आगे नहीं होगा फॉर श्योर बस कंटिन्यू रखना टीएनए जो भी न्यूज होंगे इतनी बार रिवाइज हो जाएगा ना रट जाएगा किसी को भी आंसर आप बता दोगे बताना नहीं है ड्यूरिंग द एग्जाम एग्जाम के बाद ही बताना चलो आगे मूव करते हैं so, 75 तो इंडिया और इजिप्त जो है वो 75 फाइव ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं और uh, अब ये जो सर है हमारे क्या नाम है नाम याद कर लो जरा फतेह अल सी अब्दुल फतेह अल सी सो ही विल बी द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड पर इंडिया वॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन वाइस प्रेसिडेंसी रिसेंटली सो मिस्टर विमल मिस्टर विमल महेंद्रू इलेक्टेड एज इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंडिया मोर देन नाइनटी परसेंट वोट रिसेंटली द इलेक्शन वॉज कंडक्टेड इन सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो इंडिया को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंसी मिला है दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल बॉडी टू सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे मोबाइल फोन है लैपटॉप है एंड द अदर टेक्नोलॉजीज जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाती हैगेनाइजेशन इज वही ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज फॉलोड फॉलोज द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इशूज बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन जिनेवा स्विटरलैंड फाउंडेड इन द ईयर 1906 तो so, 1906 में फॉर्म हुआ था इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम कर रहा है, बना रहा है 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 बना ठीक आगे चलें सर अच्छा लकी बोल रहे थैंक यू सर थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन आगे चलते हैं नेक्स्ट है इंडिया रॉकेट फैसिलिटी इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी टू बी बेस्ड इन तेलंगाना फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग देखो इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या हुआ रॉकेट डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग फैसिलिटी विल बी अवेलेबल इन हैदराबाद बाई स्का प्राइवेट कंपनी है विच इज अंक्यूबेशन सेंटर ऑफ हैदराबाद हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप टी हब तो जो टी हब है दैट इज लॉन्च बाय द द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द स्टार्टअप्स एक एक ऐसी जगह जहां पर स्टार्टअप्स जाकर अपना सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज लॉन्च्ड इन नवंबर दैट वाज लॉन्च्ड लास्ट ईयर टी हब वाज लॉन्च्ड लास्ट ईयर सो दिस कंपनी स्काई रूट एयर स्पेस विल बी लॉन्चिंग द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इन नवंबर 2022 तो स्काई रूट जो है इन्होंने अभी रिसेंटली अपना पहला प्राइवेट रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया है द नेम इज विक्रम एस रॉकेट ये भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने विक्रम एस रॉकेट विक्रम एस ठीक और ऋषि सुकुन विच नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर आई बीपीएस का क्वेश्चन था फिफ्टी होंगे अरविंद इफ आई एम नॉट रॉन्ग फिफ्टी है ठीक सो हैदराबाद तेलंगाना कैपिटल है सर स्काई रूट इज द नेम ऑफ कंपनी और पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी है विक्रम इज इज द द नेम ऑफ ऑफ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इंडिया दैट बाय स्काई रूट रशिया बिकेम टॉप सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर टू इंडिया वापस लगा लो स्टार्स बिल्कुल पक्का क्वेश्चन है सो रशिया बिकेम द टॉप सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर टू इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री

सो लार्जेस्ट सप्लायर बन गया इंडिया का मॉस्को रूबल इज द करेंसी आईआईटी दिल्ली इज इन टॉप 50 ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग ओनली आईआईटी आईआईटी दिल्ली इज द ओनली इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द टॉप 50 ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग बाय द टाइम हायर एजुकेशन टाइम हायर एजुकेशन ने इशू किया है यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग आई आई इज द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट विच इजर इन दॉप फिफ्टी इकलौता है जो टॉप फिफ्टी में इंक्लूड हुआ है आई आई टी आपका आई टी बॉम्बे सेवेंटी सेकेंड पोजिशन पर है सेवनटी टू पोजिशन पर है एम आई टी इज ऑन टॉप फर्स्ट थ्री की बात करें सो एम आई टी यूएसए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दीज आर द टॉप टॉप इन दिस इंडेक्स तो ये पर है इस इंडेक्स में सिंपल हो गया न्यूज ठीक है एक बार और रिवाइज करें तो आई आई टी जो है आपका ये टॉप फिफ्टी में इंक्लूडेड है दैट इज ऑन विच पोजिशन ट्वेंटी तो इसका पोजिशन था ट्वेंटी एट्थ पोजिशन नेक्स्ट है पीडीएफ विल बी अवेलेबल इन द टेलीग्राम ग्रुप बेटा एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा बड़ा प्यारा सा था जीए जीनियस थोड़ा परेशान अभी दो तीन दिन से है कुछ बच्चों के कारण चेंज करेंगे उसको भी टेंशन की कोई बात नहीं है दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा सर क्रिस्टानो रोनाल्डो बिकेम द फर्स्ट मैन टू स्कोर फाइव फीफा वर्ल्ड कप तो फाइव फीफा वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले खेलने वाले स्कोर करने वाले अकेले प्लेयर बन गए फर्स्ट मेल प्लेयर इन द हिस्ट्री टू प्ले एंड स्कोर इन द फाइव फीफा वर्ल्ड कप डो सो पुर्तगाल ओपिंग गेम इन कतर अगेंस्ट घाना पुर्तगाल के लिए प्लेड दर्ल्ड कप ऑफ टेन एन ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी टू ये इनके वर्ल्ड कप हो गए जो इन्होंने खेले हैं एंड टू थाउजेंड एटीन दिस वन यर रोनाल्डो रोनाडो बिकेम द ओल्डेस्ट प्लेयर एवर टू हैट्रिक फीफा वर्ल्ड कप इन 2018 बाय डिफीटिंग स्पेन डिफीटिंग स्पेन एंड ये इनका मतलब बड़े बड़े अचीवमेंट्स हो गए टोटल इनके अगर मैं स्कोर की बात करूं तो 118 इनके गोल्स हैं तो 118 इंटरनेशनल गोल्स, तो गोल्स के साथ वर्ल्ड टेली रिकॉर्ड पर हैं ये मीन्स ब्रेकिंग हिज ओन रिकॉर्ड लास्ट टू न्यूज हैं इंटरनेशनल डे द एलिमिनेशन ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट द वुमेन महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसका उन्मूलन डे ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ नवंबर सो इट इज ऑब्जर्व एवरी ऑफ नवंबर जनरल इन दर नाइनटीन नाइन थ्री टू एंडलेंस अगेंस्ट दुमन एंड गर्ल्स इज द थीम ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वेंटी कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया टुमोरो आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कल मैं करूंगा डिस्कस लेट सी टेक्रा होमवर्क रीड अ लिटिल अबाउट द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कल इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू देखेंगे सिंपल क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन लेट सी टुमारो ठीक है इट विल इंक्रीज योर नॉलेज डेफिनेटलीव सीन द क्वेश्चन फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द बैंकिंग एग्जामिनेशन इन लास्ट फ्यू इस तो वो आपकी हेल्प भी करेगा ठीक 26th ऑफ नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका अडॉप्ट हुआ था ऑल्दो इट वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 26th ऑफ जनवरी 1950 लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का एंड सुप्रीम लॉ बना ब, बनता है हमारा विद द सपोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो 26th ऑफ नवंबर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्ज़र्व किया जाता है फोर हंड्रेड इयर्स विल बी कंप्लीटेड टू दिस बैटल एंड लचित दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दैट प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम द मुगल फोर्सेस तो इंडिया को मुगल फोर्सेस से बचाया था एक लास्ट न्यूज है विक्रम गोखले सर पास ऑफ सेवन सेवन बॉलीवुड एक्टर हैंगल अयार भूल भुले एक्सेट्रा सो लॉर्ट्स ऑफ मूवीज इंक्लूडेड ऑनर्ड विद द मल्टीपल अवार यह आपका न्यूज हो गया सर नावार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट कोर्स इज ऑल्सो लाइव टूडे

Huge focus on banking and financial news. So do not miss any of the session. I'll be meeting you guys back twelve o'clock on Oliveboard YouTube channel on the Oliveboard paid channel. But that is a free session which you guys can join it. Please like the session, share with your friend, join the Telegram group J Genius for the another PDF. Till the time, keep watching J hind